गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत को सुनिए जरा, केंद्रीय मंत्री। मैं बाकी में कोशिश कर रहा हूँ। चलो यार, देखिए आराम से करें। लोकतंत्र में आराम से एकदम यार, ये अपनी सरकार चुनने का अधिकार, लाखों बलिदानों के बाद हासिल स्वतंत्रता और लोकतंत्र के द्वारा मिला है। 5 साल के लिए हम अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य चुनने के लिए, और 5 वर्ष पूर्व जो मतदान हमने किया था, उस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी, इन दोनों का आकलन कर हमें मतदान करना चाहिए। अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे, ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता शुचिता दोनों को का परिचायक है। इसलिए आजादी के बाद में पहली बार हुए चुनाव में 35% मतदान से अब 70% से ज्यादा मतदान होने लगा है, लेकिन अभी भी मेरा आग्रह और अनुरोध यही रहेगा कि हम और अधिक इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। सरकार के स्तर पर भी इस पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस स्तर तक प्रयास करती है। मैं सब मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा, क्योंकि मतदान प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है, लगभग 2 घंटे होने को है, आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सकें कि अधिकतम मतदान हो। इस बार क्या लगता है, क्या रिवाज बदलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख तकलीफ कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो, जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है। आप मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, तो मारवाड़ में क्या स्थिति रहेगी? एक तरफा तो जीत का दावा जो है वो तमाम नेता ठोकते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत की, जिसमें कहा कि जो दुख तकलीफ 5 साल में राजस्थान की जनता ने देखे हैं, झेले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वोट आज डाले जाएंगे।